असलम दोस्तों, मेरे पास एक्सपी 212 मॉडल एक्यूरेट का स्केल है कि कैलिब्रेशन कंप्लीट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूं कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे यह होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, AESP 212 मॉडल इंडिकेटर है। इसका फन को दबा के पावर ऑन करना पड़ता है। ये सब तो सिंपल है, ऑन है। सबसे पहले पावर ऑफ कर लेते हैं। ब्रेकर फंक्शन वाले बटन को दबा के ऑन करें। फंक्शन वाले बटन जीरो आ गया। उसके बाद फिर फंक्शन, 300 किलो कैपेसिटी है, 300 किलो का लोड सेल है, ठीक है। फिर फंक्शन दबाएंगे, 50 ग्राम पे ऊपर चलाना है, ठीक है। फिर फंक्शन दबाएंगे इशारे के बाद 3 इंच से, इशारे के बाद 3 इंच से। फिर फंक्शन दबाना है, एंड आ गया। उसके बाद फिर ज़ीरो दबाना है, उसके बाद फिर फंक्शन दबाना है। यहाँ पे 20 kg डेड वेट रख लेंगे। ट्वेंटी के जी डेड वेट रख दिया। यहाँ पे 20 करेंगे, टायर की मदद से आगे आएंगे, ज़ीरो की मदद से 2 करेंगे, 20 kg हो गया। फिर उसके बाद फिर फंक्शन का बटन दबाएंगे, उसके बाद फिर फंक्शन और ये फंक्शन। उम्मीद है कि ये AESP 212 एक्यूरेट स्केल की कैलिब्रेशन समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ रहिएगा। गुड लक हो गया, अल्लाह हाफिज़।